1962 के युद्ध में चीन द्वारा भारत के लद्दाख क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को कब्जा लेने के मुद्दे पर संसद में तीखी बहस हो रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बयान दिया कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं होती, वह बंजर इलाका है। उनके इस कथन पर उनके ही मंत्रिमंडल के नेता महावीर त्यागी बिफर गए। भरी संसद में महावीर त्यागी ने सिर से टोपी उतारी और अपना गंजा सिर नेहरू को दिखाया और कहा, यहाँ भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे कटवा दूं या फिर किसी और को दे दूं? महावीर त्यागी ने कहा कि उन्हें देश की एक इंच जमीन भी किसी को देना गवारा नहीं, चाहे वह बंजर ही क्यों ना हो। कांग्रेस के इतिहास में वह पहले नेता थे जिसने पैर छूने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की थी। महावीर त्यागी का जन्म 31 दिसंबर 1899 को मुरादाबाद में हुआ था। मेरठ में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी फौज ज्वाइन कर ली और उनकी नियुक्ति पर्सिया यानी ईरान में कर दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत का ज्वार उठा। तब महावीर भी फौज की नौकरी से इस्तीफा देकर चले आए। सेना ने उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। वह गांधी जी के साथ देश की आजादी के आंदोलन में कूद गए। अंग्रेजों द्वारा वह 11 बार गिरफ्तार किए गए। एक किसान आंदोलन के दौरान जब उनको गिरफ्तार करके यातनाएं दी गई तो गांधी जी ने इसके लिए अंग्रेजों की आलोचना यंग इंडिया में लेख लिख कर की थी। एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट अपने व्यक्तिगत नाराजगी के चलते त्यागी पर बहुत ज्यादा यातनाएं कर रहा था और पूरी कोशिश की कि देशद्रोह का केस लगाकर त्यागी की अकड़ को खत्म कर सके, लेकिन एक सैन्य अधिकारी रहने वाले त्यागी को ना झुकना कबूल था ना ही माफी मांगना। 1921 में गांधी जी ने उनको लेकर अपनी आवाज उठाई। त्यागी को उस वक्त बुलंदशहर में 4000 लोगों की एक सभा को संबोधित करते वक्त गिरफ्तार किया गया था। जेल में ही उनकी मुलाकात पंडित मोतीलाल नेहरू से हुई और जब एक बार बाप बेटे के बीच कोई गलतफहमी हुई तो वह महावीर त्यागी ने ही दूर की थी। असहयोग आंदोलन के बाद महावीर त्यागी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी जोर शोर से हिस्सा लिया। 2.5 साल जेल में रहे, नतीजतन वो कांग्रेस की चुनावी राजनीति में भी हिस्सा लेने लगे। आजादी के बाद वो लोकसभा के लिए चुने गए और नेहरू कैबिनेट का हिस्सा बने। हर सरकार काला धन वापस लाने के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लेकर आती है। दरअसल वह पहली बार देश में महावीर त्यागी ही लेकर आए थे। त्यागी ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 356 लगाने पर केरल की ईएस नंबूरीपाद सरकार गिराने का विरोध किया था। त्यागी का वह बयान भी काफी चर्चा में रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस जाति या संप्रदाय की राजनीति में पड़ती है तो वह अपनी कब्र खुद ही खोद लेगी। महावीर त्यागी का निधन 22 मई 1980 को नई दिल्ली में हुआ था। तो ये थी देशभक्त व स्वतंत्रता सेनानी महावीर त्यागी के विषय में संक्षिप्त जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।